यूपी में आज से तमाम विभागों के प्रमुख सचिव और अधिकारी अपने विभागों से जुड़े कार्यक्रमों का प्रेजेंटेशन सीएम योगी को देंगे। पहले दिन शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे। आज नकल रोकने के फॉर्मूले पर भी बात होगी। यूपी में सभी विभागों के प्रमुखों का प्रेजेंटेशन 20 अप्रैल तक चलेगा। हर दिन शाम 6 बजे अधिकारी अपने अपने विभागों का लेखा जोखा सीएम योगी के सामने पेश करेंगे। इसमें विभागों के काम की समीक्षा होगी। यूपी में किसानों के कर्ज माफी पर कल योगी सरकार फैसला कर सकती है। कल शाम 5 बजे योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सरकार बनने के सत्र में दिन होगी। यूपी में बीजेपी ने चुनाव से पहले सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद से ही किसानों को कर्ज माफी के ऐलान का इंतजार है। योगी सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए 47 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बुंदेलखंड में सूखे की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूपी के मुरादाबाद में उत्साही एंटी रोमियो स्क्वाड ने अपने टीचर से परीक्षा के नोट्स लेने गई छात्रा को टीचर के साथ पकड़कर थाने में रखा। घंटों तक छात्रा और टीचर के गुहार लगाने के बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ा। योगी सरकार उत्साही पुलिस को विवेक से काम करने को कह चुकी है, लेकिन पुलिस मानने वाली नहीं। ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा को थाने ले जाने के लिए कोई महिला पुलिस भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा पौराणिक मनचला बताने पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदर बग्गा ने केस दर्ज कराया। लखनऊ में भी प्रशांत भूषण के भगवान कृष्ण को लेकर किए गए ट्वीट पर एफआईआर दर्ज कराई गई। कांग्रेस के जीशान हैदर ने धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। प्रशांत भूषण ने यूपी में चल रहे एंटी रोमियो अभियान को लेकर ट्वीट कर कहा था कि रोमियो ने सिर्फ एक महिला से प्यार किया था, जबकि कृष्ण पौराणिक मनचले थे। क्या योगी आदित्यनाथ में दम है कि वो अपने छेड़खानी निरोधक दस्ते को एंटी कृष्णा स्क्वाड कह सके? विवाद बढ़ने के बाद प्रशांत भूषण ने सफाई में कहा, एंटी रोमियो ब्रिगेड पर मेरे ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरा केवल ये कहना है कि एंटी रोमियो ब्रिगेड को लेकर जो तर्क दिया जा रहा है, उस हिसाब से भगवान कृष्ण की छवि भी मनचले जैसी होती। चुनाव में हार के बाद मुलायम परिवार में झगड़ों का दौर फिर शुरू हुआ। चाचा शिवपाल यादव ने अखिलेश नाम लिए बिना कहा कि जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता, वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। यूपी में समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य सुधीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव पर उठाए सवाल। कहा, अखिलेश जी, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। होटल और शराब के कारोबारी आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात करेंगे। हाईवे के 500 मीटर एरिया में शराब की बिक्री पर रोक के फैसले को लेकर कोई बीच का रास्ता निकालने की मांग कर रहे हैं शराब और होटल कारोबारी। हाईवे के आसपास बड़े बड़े होटल्स खोलने वाले व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट के फैसले से हमें करोड़ों का नुकसान होगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, विदेशी पर्यटकों के बीच छवि भी खराब होगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, पहले जिस आरएसएस की वेशभूषा को लेकर विपक्ष सवाल उठाता था, उसी आरएसएस में अब ग्लैमर आ गया है और नई पीढ़ी बड़ी तादाद में आरएसएस में शामिल हो रही है। सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर में नगर निगम बोर्ड की बैठक में बीजेपी की महापौर सत्या पांडे की ओर से वंदे मातरम गाना गाने के प्रस्ताव को लेकर हंगामा। समाजवादी पार्टी के पार्षद ने जताया विरोध। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने यूपी के संभल में कहा, तीन तलाक से परेशान मुस्लिम महिलाएं हिंदू लड़कों से शादी कर हिंदू धर्म स्वीकार कर ले। जम्मू कश्मीर के नौहट्टा पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद, करीब एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। बीजेपी ने 4 मुसलमानों को भी दिया है टिकट। 23 अप्रैल को चुनाव होना है, आज ही नामांकन का आखिरी दिन है। दिल्ली में कल दक्षिणी नगर निगम के मेयर सुभाष आर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर नाराज शख्स ने हंगामा किया, दो गुटों में हाथापाई भी हुई। एमसीडी चुनाव में टिकट नहीं पाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की। दूसरी लिस्ट में 127 उम्मीदवारों के नाम, अब तक 267 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, आखिरी 5 सीटों का ऐलान बाकी। आम आदमी पार्टी से जुड़ी सिमरनजीत कौर ने दिल्ली में रोड शो के दौरान पार्टी नेता संजय सिंह को थप्पड़ मार दिया, पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया, थाने में दर्ज कराई शिकायत। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद में जेडीयू नेता और पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह पर 4 बच्चों समेत 5 को गोली मारने का आरोप, 2 बच्चों की मौत, आरोपी नेता समर्थकों के साथ गिरफ्तार। बच्चों की मौत के बाद रोहतास के तेंदुनी गांव में तनाव है, गुस्साए लोगों ने पुलिस बल पर किया पथराव, पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुंबई के अंधेरी में सेल्स टैक्स ऑफिसर राकेश सावुखे की दादागिरी, किराए पर मकान दिलाने के लिए मांगा कमीशन, कमीशन न देने पर युवक को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया।
यूपी के हापुड़ में एक घर में हुए अचानक धमाके में युवक ने गंवाया अपना हाथ। धमाके के बाद घर के पुरुष सदस्य घर छोड़कर फरार। एटीएस की टीम जांच में जुटी। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी जोड़े की पिटाई करके वीडियो बनाने वाले चार लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चार दिन पहले खेत में प्रेमी जोड़ों को पकड़कर बेरहमी से पिटाई की गई थी। यूपी के मेरठ में नामी कंपनियों के बैट चुराने वाले चार चोर गिरफ्तार। चोरों के पास से 2.5 लाख कीमत के 8 बैट बरामद। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने राफेल नडाल को 6-3, 6-4 से हराकर जीता मायामी ओपन। 35 साल के फेडरर मायामी ओपन जीतने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बने। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।